एक तरीके से सोचिए तो लगता है कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज ये वादा तो कर रही हैं कि हम वादा करेंगे और फिर निभाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊं, मतलब अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जो एक मच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जो पुराने प्रजातंत्र हैं, हम बहुत बड़े प्रजातंत्र हैं मगर पुराने उतने पुराने नहीं हैं, तो उनमें जब लोग अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं तो उनको लागू करना अवश्यंभावी होता है। उसमें बिल्कुल जी उसमें आप बिल्कुल मुकर नहीं सकते। अच्छा, तो एक तरफ तो ये बात अच्छी लग रही, दूसरी तरफ एक और बात अच्छी ये है कि आम आदमी को जिन चीजों की जरूरत है उनके बारे में वादे किए जा रहे हैं। मगर इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, और मैं मतलब सच्चाई से बिल्कुल दोनों पक्ष ही रखूंगा, क्योंकि जी इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं स्वयं भी दुविधा में हूं, जी और वो दुविधा का कारण भी आगे मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी बात यह है, दूसरी ओर ये बात उठती है कि ये जो अधिकतर गारंटियां हैं वो एक तरीके का कैश ट्रांसफर के रूप में है, अधिकतर कैश ट्रांसफर के रूप में, और उनका एक फिस्कल कॉस्ट है, और इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो अगर रोजगार पैदा हो रहा हो और आमदनी लोगों की अच्छी हो रही हो निरंतर, तो लोग स्वयं इनको प्राप्त कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही और बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही, और जिनके पास रोजगार है भी उनके पास जो जो रोजगार दर मिल रही है उनको वो बढ़ नहीं रही, वो कम हो रही है। उसका असर हम आंकड़ों में ये देखते हैं कि भारत देश में जो सेविंग्स रेट है, बचत की दर है सकल घरेलू उत्पाद के की तुलना में, वो घट रही है, जो हो पहले नहीं हो रहा था, 6-7 साल पहले तक नहीं हो रहा था, जब आपकी विकास दर तेज थी तो बचत भी ज्यादा होती थी, देश में निवेश ज्यादा होता था, रोजगार पैदा होता था, तो लोगों के पास बचाने के लिए पैसा होता था और लोग कृषि से निकल रहे थे, तो इस वजह से रोजगार दर बढ़ रही थी। अब वो स्थिति नहीं है, ये बड़ी दुखद बात है, और ये मतलब मैं आपको एक इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके श्रोताओं को यह समझना आवश्यक है कि ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, और इसका दूसरा नकारात्मक हमको जो एक और है वो उसके बारे में आयाम है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, कि अगर विकास दर बढ़ नहीं रही तेजी से तो सरकार की आमदनी यानी कि सरकार की टैक्स रेवेन्यूज भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, जो पहले बढ़ रही थी जब विकास दर 8% थी 2004-14 के बीच में, और रोजगार बढ़ रहा था और रोजगार दर बढ़ रही थी, तो अब आमदनी अगर सरकार की नहीं बढ़ रही है और सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज एक रोजाना एक प्रतिस्पर्धा में लगी हैं इलेक्शन से पहले खासतौर से कि हम आज 500 रुपए का देंगे तो हम 400 रुपए का देंगे तो हम 350 वगैरह, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, तो उसमें कितना ये सोच समझ करके एक वादा किया जा रहा है कि आगे चलते हुए आपकी क्या सरकार की आय बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे सरकार, तो इसको फंड कैसे किया जाएगा? क्या ये सिर्फ लोन लेकर के, ऋण लेकर के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, और ये पिछले 8-9 साल से ही शुरू हुआ है, मतलब ये बड़ी दुखद बात है। तो इस दौर में मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ जिसमें जी। आप आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।